हाँ जी सत श्री अकाल जी, थोड़ा वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। सो अज इस वीडियो के राही मैं थानू दसांगा कि किस तरीके नाल बिना किसी कैमिकल तो बिना किसी स्प्रे तो तुसी अपनी बियर्ड नू एक बहुत वधिया ऐ शेप दे सकते हो। ठीक है जी, तुसी देख पा रहे होने। सो बिना किसी कैमिकल स्प्रे तो तुसी अपनी बियर्ड नू किस तरीके नाल सैट कर सकते हो, वी शेप दे विच लिया सकते हो, वो लास्ट तक तुसी ये वीडियो देखोगे तो सारिया चीज़ा समझ आ जाएगियाँ। सो ये मैं सिर्फ तीन चीज़ों का यूज़ करया होया। पहला एक जो नॉर्मल ब्रश होंदा है, ठीक है, जिन्हों आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। सैकेंड चीज़ हेयर ड्रायर, एंड थर्ड थिंग जी है वो मैं थानू अगे दसागा कि वह की चीज़ आ, थोड़ी जी स्पैशल है। तो वीडियो जिदा जिदा तुम देखते दे जाओगे थानू सारिया चीज़ा क्लीयर हो गया। देखो आप स्टैप फॉलो करने हैं, ये तीन जेडे चीज़ा मैं यूज़ करी ने उन्होंने किस तरीके यूज़ करना बहुत इंपोर्टेंट है। लेकिन उस तो भी ज़्यादा जी इंपोर्टेंट चीज़ है वह है कि आप अपने हाथों के नाल कि अपनी बियर्ड न शेप देंगे, राइट। सो जिदा जिदा मैं अपनी बियर्ड न शेप दिती हुई है, तुम भी सेम उस तरीके ट्राई करना है कि आप अपनी बियर्ड न हाथों के नाल एंड जे मैं चीज़ा यूज़ कीतियां ने उन्होंने इनू सैट करना है। और एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि कदें भी थोड़े पहले दिन दूजे दिन या तीसरे दिन के इदा इस तरीके सैटिंग नहीं होनी हैगी हेयरस की बियर्ड की, क्योंकि देखो अपने हेयरस में आदत नहीं होंगी हैगी। सो जिदा जिदा थानू 15 दिन 20 दिन हो जाएंगे उस तो बाद तुसी देखोगे कि थोड़ी जिहड़ी बियर्ड है वो ऑटोमैटिकली इस शेप दे विच बहुत जल्दी आ जाए करूगी, राइट। सो अगे आपां वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारी स्टैप बाय स्टैप थानू मैं दसांगा। सो फस्ट जिहड़ा प्रोसैस है अपना, आपां की करना है एक ब्रश नू आपां यूज़ करना है, ठीक है। वो नाल नाल जिदा ही आपां ब्रश नू यूज़ करांगे वो नाल दबाउणा वी आ बियर्ड नू, ठीक है, नाल नाल आपां प्रैस करते जाना। हुण आपां सैकेंड यूज़ करांगे हेयर ड्रायर का, ठीक है। पहला ब्रश यूज़ करिया, उहदे बाद ड्रायर यूज़ करिया, नाल नाल आपां अपने हत्थां नाल इहनूं प्रैस भी करदे आ रहे हैं, ठीक है। हुण आपां यूज़ करांगे हेयर ऑयल, कोई भी तुसीं बियर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो इहदे विच। सो हुण तुसीं ऑयल यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मली जितना थोड़ी बियर्ड जिहड़ी आ थोड़ी ड्राई ना रहे। सो हुण आपां गल करदे आ सब तो इंपोर्टेंट चीज़ के बारे, एक ब्रश इदां दा जिहड़ा कि नैचुरली थोड़ी बियर्ड नूं एक शेप दे दिंदा। सो वो जिहड़ा ब्रश है वो आपां थोड़े सामने पेश कर रहे हैं जी। सो ये है जी वो ब्रश, मार्केट तो बहुत ही ईजीली मिल जूगा थानू। इन्हें यूज़ कितना करना है, जिदा ही तुम इन्हू बियर्ड के लाओगे तुम हौली हौली इदा टर्न भी करना नाल दा इदा। हुण उस तो बाद आपां यूज़ करते हैं दोबारा तो ब्रश, सारी चीज़ां आपां 2-3 बारी यूज़ करनियां ने जितना अपनी जिहड़ी बियर्ड की शेप है वो वधिया हो जाती है। सो हुण तुसीं देख सकते हो मेरी जिहड़ी बियर्ड है वह हौली हौली अपनी जिहड़ी एक प्रोपर शेप थानू मैं दसी सी वह वी शेप दे विच आ रही है, राइट। देखो हुण इहदे विच जिहड़ी सब तो इंपोर्टेंट चीज़ हैगी है वह तीन चीज़ा तो हैगियां, ब्रश एंड हेयर ड्रायर जिहड़ा सीगा। और उस तो भी ज़्यादा इंपोर्टेंट की है भी मैं जिदा अपने हत्थां दे नाल इहदी शेप जिहड़ी आ वह सैट कर रहा। सो इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है कि अपनी जिहड़ी बियर्ड की शेप है उहनूं हत्थां दे नाल तुसीं इदां देखो जिहड़ी मैं शेप बनाउणी है मैं उहनूं कर रहा थल्ले हाथ ला के इदां, राइट।